हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल चला जी हंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको दो ऐसे किक के बारे में बताने जा रहा हूँ, मतलब ऐसे दो किक दिखाने जा रहा हूँ जो मार्शल आर्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा डेंजरस किक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे पे एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी तक मेरा चैनल कुछ सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो और नीचे एक बेल आइकन उसको दबा दो। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो डालूंगा वो अपने आप आपको पता चल जाएगा, आप नोटिफाइड हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के उस किक को चलो फील्ड में देखते हैं कि उसको कैसे किया जाए और पहले उस किक को होता क्या है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। फील्ड में आ गया हूँ तो फ्रेंड्स, पहला का जो मेरा किक है वो है फ्लाइंग यू को और दूसरा जो है वो रोटेटिंग माउस ही। तो पहले मैं उन दोनों किक को आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर उसको मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। तो पहले नंबर वन किक फ्लाइंग यू को, तो कैडा में सबसे पावरफुल मतलब एक किक होता है जो मार्शल आर्ट थोड़ा बहुत सीखता है या फिर जानता है वो उसको अच्छी तरह से पता होगा कि इस किक को देखने के बाद इस किक में कितना पावर आती है अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। तो कैमरा मैन थोड़ा सा पीछे जाओ, मैं इस किक को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहली किक, ठीक है। सेकंड जो किक है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो अगर आपको इसको सीखना हो तो मेरा वीडियो को स्किप ना कीजिए और अच्छे से देखिए। पहले किक में जाते हैं तो मैंने उसको तीन स्टेप में भाग दिया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो आप इस वीडियो के जरिए जरूर सीख सकते हैं। तो फिर पहला का जो है उनको सीखने के लिए वो आप पहले कुछ देर इस टाइप का होते हैं ये प्रैक्टिस करो और जब आपको हो जाए तब इस पैर को आप लेग पैर को ऊपर उठा लो। तो फिर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो अब मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लो, थोड़ा सा वार्म अप वगैरह कर लो, क्योंकि कोई भी किक करने से पहले ये करना ज़रूरी है क्योंकि आप मसल को मोटिवेट करते हैं। तो जब हो जाएगा तब आप पहले सिंपल ऐसा स्टेप में आके ऐसा प्रैक्टिस करो, मतलब अपना जो बॉडी है उसको आगे भेजो, ठीक है। तो जब आपको हो जाएगा मतलब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तब थोड़ा थोड़ा ऊपर करके जाओ, ठीक है, ऐसा ऐसा ऊपर करो। और जब हो जाएगा, जब फुल हो जाएगा तब तो आपका किक एकदम झकास लगेगा, ठीक है। तो अब सेकेंड किक में आते हैं। सेकेंड किक थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सेकेंड का जो किक है पहले आपको उस किक के पहले, ठीक है, आपको ये सीखना जरूरी है क्योंकि उस किक में भी यही है। तो आप देख सकते हैं पहले उसको सीखने के बाद आप इसको सीख लो। जब ये सीख जाओगे, ठीक है, तब आप थोड़े थोड़े मतलब धीरे धीरे इस पैरों को खुलना सीखो, इस पैरों को। और जब हो जाएगा तब तो आपका किक एकदम धमाकेदार हो जाएगा। मैं दिखा देती हूँ कैसा होगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसा हो जाएगा। तो थैंक यू, मेरा मुझे सपोर्ट देने